हेलो गाइस, नाउ स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम द चैप्टर नंबर फर्स्ट. टाइटल ऑफ द चैप्टर इज सेट्स. इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट विच वॉज रिलेटेड विद दिस एक्सरसाइज एंड इन विच वी स्टडीड अबाउट सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, सुपर सेट्स, पावर सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स. So these matter we have discussed, and now this is the completely based exercise on the previous concepts. So one by one, I'm starting from the very first question. The given first question is the insert the symbol of subset or not a subset. Simple सा question है. हमें एक ये जो symbol है वो हमें question first के total 7 part. There are 7 part of the question number first, and we have to insert this one symbol or this one symbol at इन द ब्लैंक. क्लियर? तो चलिए अपन फर्स्ट की बात करते हैं. आप वहां से स्टार्ट करेंगे. अब ये सिंबल कब इंसर्ट होगा और ये कब होगा? तो ये के लिए मीन्स सबसेट होगा, कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा कि सभी एलिमेंट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ अनदर सबसेट बी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग इन द सेट बी, देन वी कैन से दैट सेट ए इज द सबसेट ऑफ द सेट बी. अब देखो यहाँ पर वन है तो यहाँ पर भी है, मीन्स वन बिलोंग्स इन द सेट नेक्स्ट वन जो भी है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, सभी के सभी. अब इसमें ब्लैंक कुछ एक्सेस में है वो अपना मैटर नहीं है, यहाँ पर कुछ छूटना नहीं चाहिए. यहाँ की यदि सभी एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग करते हैं, इट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग इन दिस सेट, सो देयरफॉर दिस इज सबसेट ऑफ दिस वन. क्लियर है? तो यहाँ पर ये सिंबल आएगा. और ये किस टाइप का सबसेट है? दिस इज द प्रॉपर सबसेट. और ये प्रॉपर सबसेट कब नहीं होता? प्रॉपर सबसेट तब नहीं होता जब यहाँ पे वन टू थ्री फोर और फाइव भी हो. फोर फाइव भी होते ना, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए. यदि ये दोनों इक्वल होंगे तो ये प्रॉपर सबसेट होगा. हाँ, सबसेट है बट इट विल बी प्रॉपर सबसेट. क्लियर है बात यहाँ तक? अब इसमें आते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ नहीं है, बट ये बी हियर ऑल्सो, सी हियर. तो ए यहाँ पे है जो यहाँ पे नहीं है. कोई भी एक एलिमेंट यदि आपका छूट रहा हो, सो इट इज नॉट ए सबसेट. क्लियर है बात यहाँ तक? सिंपल सा है. अब आगे आते हैं. अक्स सच दैट, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्मेशन दे रखा है. अक्स सच दैट, अक्स इज अ सेट ऑफ, अक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. मीन्स हमें ये आपकी क्लास 11th के कितने भी स्टूडेंट हैं, मीन्स देर आर 30, 40, 50 स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लासरूम, तो इनका सेट बन जाएगा. मान लीजिए अपने पास 5 हैं, 5 ही मान लेते हैं अपन, A, B, C, D एंड E ये है, ठीक है. और टोटल स्कूल में सभी 26 स्टूडेंट मान लेते हैं A to Z. तो क्या ये सभी इसमें बिलोंग नहीं कर रहे? डेफिनेटली कर रहे हैं. तो ये वैसा ही तो सीन बन गया. ये स्टूडेंट आपकी क्लास में है, तो आपकी क्लास में है तो आपकी क्लास कहाँ है? अक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. तो ये आपके स्कूल में भी तो आ गया ना, सभी के सभी काउंट तो वहाँ भी होंगे. क्लास में तो पर्टिकुलरली काउंट हो ही रहे हैं, लेकिन ये आपके स्कूल में भी काउंट होंगे. इन दिस सिचुएशन दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस वन. क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट, अक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन. किसी भी प्लेन में एक सर्कल है. अब वो उस सर्कल के पर्टिकुलरली उसकी पैरामीटर क्या है, इट्स नॉट गिवन. उसके रेडियस क्या है, इट इज़ नॉट गिवन. तो हमें अब जज करना है, अक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन. अक्स सच दैट, अक्स इज ए सर्कल इन सेम प्लेन. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. विद रेडियस वन, इसकी रेडियस कॉन्स्टेंट है, वन है. तो इसका मतलब ये तो एक फिक्स हो गया, एक छोटा सा सर्कल मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का, कितना बड़ा सर्कल होगा. लेकिन ये तो छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है प्लेन पे. सो इन दिस सिचुएशन वी कांट से दैट दिस इज ए सबसेट. क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ पे. फिफ्थ में हमारे पास है, अक्स सच दैट, अक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन. किसी भी टाइप का कोई भी ट्राइंगल है आपके पास एक प्लेन में. अक्स सच दैट, अक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन. एंड अनदर सेट इज अक्स सच दैट, अक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन. तो ट्रायंगल कभी भी रेक्टेंगल में बिलोंग नहीं कर सकता, बिकॉज हाँ ये पॉलीगन होता है यहाँ पे, तो पॉसिबल था क्योंकि ट्रायंगल इज ऑल्सो ए पॉलीगन, बट ट्रायंगल इज नॉट ए रेक्टेंगल. बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये इसका सबसेट पॉसिबल नहीं हो सकता. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट,
अक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल है, अक्स इज ए ट्राइंगल इन ए सेम प्लेन, तो ये सभी ट्राइंगल आ गए, कोई भी ट्राइंगल, स्केलिन भी, स्केलिन आइसोसेलेस, इक्विलेटरल आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड अक्यूट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे सभी ट्राइंगल है, तो क्या ये ट्राइंगल इसमें नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये सभी ट्राइंगल कंसिडर कर लिए गए हैं, तो ये क्या होगा, इसका एक सबसेट होगा। अब आगे आते हैं पार्ट सेवेंथ पे, अक्स सच दैट अक्स इज एन इवन नेचुरल इवन नंबर, अक्स सच दैट अक्स इज ए अक्स इज इवन नंबर, तो ये इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 और इसके फ्रंट पे क्या दे रखा, अक्स सच दैट अक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर कौन से होंगे आपके, प्लस माइनस जीरो सभी की सभी वैल्यूज होंगी, उनमें इवन नंबर भी एग्जिस्ट करेगा, इट मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। क्लियर है बात यहाँ तक? अब चलते हैं, ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, आई एम स्टार्टिंग द सेकंड क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, हमें ये बताना है कि स्टेट में सबसेट और डज नॉट ए सबसेट का सिंबल मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है, अब हमें इनमें रिलेशन बताना है कि ये जो रिलेशन है वो परफेक्ट है या फिर नहीं है, तो करते हैं स्टार्ट। ए बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए, इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए, तो यहाँ पे देखो ए बी, ए यहाँ है, यहाँ पर भी है, बी हियर एंड ऑल्सो हियर, तो ये तो इसका सबसेट होगा, जबकि यहाँ पे इसके अपोजिट भी लिखा हुआ, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर? सेकंड, ए ई, ए ई ये ठीक है, सेट है, अक्स सच दैट अक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसका क्या बनेगा, ए ई आई ओ एंड यू, यही बनेगा, तो ए ई दोनों बिलोंग करते हैं सेट में, तो ये और यहाँ पर सबसेट होगा और वही कंडीशन बता रखी है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड आपका क्या हो गया, ट्रू। थर्ड, 1, 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ 1, 3, 5, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 और जो कि यहाँ पे 2 है जो यहाँ नहीं है, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? ये सेट का सिंबल नहीं है, ऐसे मान लो। ए ए बी सी, तो ये भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, ये क्या है, ये है सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट दिस वन, ठीक है, सेट दिस सेट ऑफ एलिमेंट ए इज सबसेट ऑफ दिस सेट इन विच एलिमेंट्स आर ए बी एंड सी, और यहाँ पे क्या दे रखा है, बिलोंग्स, तो ये सबसेट का सिंबल नहीं, ये है बिलोंग्स टू, थोड़ा इसको ध्यान से समझना, देखने में तो ट्रू लग रहा है लेकिन ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। रीजन क्या है कि टू बिलोंग्स टू, यू लिख दिया, मान लीजिए मैंने 5, 6, 7 बिलोंग है या फिर डज नॉट बिलोंग, तो ये डज नॉट बिलोंग। अब ये बिलोंग्स का जब सिंबल आता है तो इसके पहले जो वैल्यू आती है वो 100% इसको एलिमेंट बोलते हैं, अब वो जिस भी सिचुएशन में है, अब ये इसकी सिचुएशन में ये कर्ली ब्रेसिस में लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस इज एन एलिमेंट, ये सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, किसका, इसका है या फिर नहीं है, तो इसमें ऐसा कहीं है क्या, इसमें ये होना चाहिए था ए बी एंड सी, तब हम कह सकते हैं कि ये इसका एक एलिमेंट है, ये इसमें बिलोंग करेगा, बट इन दिस सिचुएशन यहाँ पर ऐसा कोई सिंबल अवेलेबल नहीं है, ब्रेसिस के अंदर ये देखो ये एक एलिमेंट ए एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट अपने आप में एक सेट है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये इसका एक एलिमेंट है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है बात यहाँ तक? ये दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा सा मैंने एक जगह लिख दिया सारा। सिक्स्थ, अक्स सच दैट अक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, अक्स सच दैट, ये थोड़ा सा ऊपर वाला रब कर रहा हूँ मैं, अक्स सच दैट अक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो क्या क्या होंगे, विच आर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर 2, 4 एंड 6 होंगे, और इसके लिए अक्स सच दैट अक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करे, तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है, और 18 भी होता है, और 12 भी होता है, और 36 भी होता है, अब 2 है ये रहा, 4 ये रहा, और 6 ये रहा, तो बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये क्या है, इसका एक सबसेट होगा। क्लियर बात यहाँ तक? इस टाइप से अपन ने अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट किए हैं, नाउ स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज स्टेटमेंट इज गिवन, सेट इज गिवन इन विच 1, 2,
three and four elements are there. First is one, second is two, third is this set, and fourth is fifth. Five, which and the value is what of the following statements are correct and what are incorrect and why. तो हमें जो ट्रू हैं वो बताने हैं और जो फॉल्स हैं वो बताने हैं. तो फर्स्ट अपने पास दे रखा है 3.4 इज अ सबसेट ऑफ 3.4. 3.4 एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता. यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट बन रहा है ये क्या है, दिस इज ओनली एलिमेंट. ध्यान रखना दो कॉमास के बीच में जो वैल्यू होती है वो एलिमेंट होती है. तो ये एलिमेंट है, मैं ये कभी भी नहीं कह सकता कि ये पॉसिबल होगा क्या. हाँ, ये मान लो कि ऐसे कोई सेट दे रखा है 1, 2, 3 एंड सेकेंड सेट इज 2, 4, 5. क्लियर. तो मैं ये कहूँ कि 2 इज सबसेट, या फिर ऐसे चलो 2 इज सबसेट ऑफ 2, 4, 6. ये करेक्ट है, ठीक है. यदि ऐसे दे रखा होता 4 एंड 5, अब ये मैं कहूँ इज सबसेट ऑफ, ये इनकरेक्ट है. रीजन क्या है, क्योंकि करेक्ट सिचुएशन क्या होगी, करेक्ट ये होता क्लियर बात याद है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है. एलिमेंट के बाहर कर्ली ब्रेसेस लगाओ तब ये सेट बनेगा. अब ये एक सेट है, ये सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है. किस सेट का, इस सेट का. क्लियर बात याद तक. एंड सेट नेवर बी सॉरी एलिमेंट नेवर बी सबसेट, क्योंकि ये सेट ही नहीं बना तो ये सबसेट कहाँ से होगा. पहले सेट बनाओ, इसको सेट बनाने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस यूज करो. यदि है तो पॉसिबल है, और यदि नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा. अब यहाँ पर ये क्या है, ये अपने आप में तो सेट है, बट इस पर्टिकुलर इस सेट ए की बात करें तो ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता. ठीक है बात यहाँ तक. तो ये पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज दिस इज नॉट, अपन रीजन लिखेंगे दिस इज नॉट अ सेट, इट इज ओनली एलिमेंट ऑफ सेट ए. क्लियर है. तो ये इसका रीजन हुआ. सेकेंड, 3.4 बिलोंग्स टू ए, ये टू है. देखो ये एक एलिमेंट है, क्या ये एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है, तो मतलब दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू रहा. थर्ड, 3 एंड 4 ये एक एलिमेंट, एंड देन कर्ली ब्रेसेस अगेन. अब ये सेट है, ये क्या ए का सबसेट है, ये इसका सबसेट होगा, बिकॉज दिस इज अ सबसेट ऑफ, ये एक सेट है जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब कि क्या हो गया, एक सबसेट हो गया. फोर्थ, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 है क्या इसमें, है, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा आपका, ट्रू. ये सिंपल सा फंडामेंटल. और यदि मैंने ये लगा दिया, इसके यू लिख दिया, अब ये नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक एलिमेंट बिलोंग्स के पहले एलिमेंट होता है, और ऐसा कोई एलिमेंट इसमें है नहीं. 1 है लेकिन सेट के साथ में, यदि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस होता 1 के साथ में तो अपन बोल सकते थे. तो ऐसी सिचुएशन में ये तो करेक्ट है, और लेकिन ए के कर्ली ब्रेसेस यूज लिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में अपन नहीं कहेंगे कि इसका एक एलिमेंट इसमें एक बिलोंग करता है या फिर नहीं करता. डेफिनेटली नहीं करेगा, क्योंकि 1 एक इंडिविजुअल यहाँ पर फ्री एलिमेंट है, और ब्रेसेस लगाते हैं वो अपने आप में एक सेट भी बन जाता है, अपने आप में सेट बनता है. लेकिन इस सेट ए के लिए कहें तो वो एक एलिमेंट ही है. अब चलते हैं फिफ्थ में. फिफ्थ पार्ट इज 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसेट बनाने के लिए पहले इसको सेट बनाना पड़ेगा. ये स्टेटमेंट पॉसिबल है. क्लियर. तो ये स्टेटमेंट क्या आपका, फॉल्स. तो 1 के लिए लिखेंगे 1 इज ओनली एलिमेंट ऑफ सेट ए, नॉट ए सबसेट, सॉरी 1 इज ओनली एलिमेंट नॉट ए सेट. अब करते हैं सिक्स्थ. सिक्स्थ इज 1, 3, 5 सेट बन गया. 1, 3, 5 का 1, 3, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस एलिमेंट को इसने स्प्लिट कर दिया, जबकि एलिमेंट कभी भी स्प्लिट नहीं हो सकता. तो या ये कंप्लीट होना चाहिए था, ये होता ना ऐसे करके कि भाई 1, 3, 4, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो पॉसिबल था. और जैसे इसने यहाँ से कुछ हटाया या एक्स्ट्रा ऐड किया या ब्रेसिस भी रिमूव कर दिया, चेंज नहीं होना चाहिए इसमें. एलिमेंट नेवर विल बी चेंज टू बिकम ए सबसेट ऑफ एनी सेट.
तो ये फॉर्मेशन क्या आपका फॉल्स, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कौन सा था, सिक्स? मैंने गलत कर दिया क्या? यहाँ पे टू होना है, बुक में टू दे रखा है, तो समझ जाना आप, टू है तो है, यदि यहाँ पे थ्री होता तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर। नाउ द सेवेंथ पार्ट, वन टू फाइव बिलोंग्स टू ए, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसके एलिमेंट देखो ना, वन टू फाइव है, इनके तो कहीं सेट नहीं लगा हुआ जैसे थ्री फोर के लगा हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। वन टू फाइव इंडिविजुअली यदि ये फ्रीडम फ्री होते तो अपन बोल सकते थे कि ये इसका सब एलिमेंट बिलोंग करेंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका फॉल्स। नाउ एट्थ, वन थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री इज अ सबसेट ऑफ ए, अगेन फॉल्स। समझ गए होंगे क्योंकि थ्री को इसने स्प्लिट कर लिया है यहाँ से, जो कि होना नहीं चाहिए था। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास एट्थ, नाइन्थ, फाइव बिलोंग्स टू ए, फाइव क्या इसमें है क्या? फाइव बिलोंग्स टू ए, देखो ध्यान रखना, फाइव बिलोंग्स टू ए, फाइव इसको बोलते हैं सेट, ये अपने आप में एक सेट है, ठीक है। बिलोंग के पहले आते ये क्या बना, एलिमेंट, तो क्या ये एलिमेंट इसमें कहीं दिखाई दे रहा आपको? नहीं, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स। तो ये फिर ट्रू कब होता, ट्रू होता अब ये ट्रू, और ये आपके बुक में है, इसी का इलेवेंथ पार्ट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन क्या है, क्योंकि ये एक सेट है और एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, क्लियर। नेक्स्ट अपन इससे पहले वाले टेंथ पे चलते हैं, सॉरी ये टेंथ ही था, इलेवेंथ का अब होगा, इलेवेंथ है सबसेट ऑफ ए। अब देखो ये क्या बना है, एक सेट बना है, सेट है डेफिनेटली, लेकिन सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कि फाई है, इसका मतलब इसमें तो कहीं फाई है नहीं, तो फाई नहीं है इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, ये क्या होगा, फॉल्स। बात समझ में आई कि नहीं हुई? तो ये अपन क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट किए हैं, और